टीएसएम का भी एंगेजमेंट देखने को मिल जाएंगे। बट यहाँ पे गॉडलाइक की बात करें पंकू की तरफ क्लोजिंग क्या चल रहा है, पंकू के ऊपर काफी अच्छा खतरा मिल जाएगा, पंकू क्या यहाँ पे डाउन हो सकता है, बट नो पंकू की तरफ से यहाँ पे शॉट आएगा एज वेल एज ग्रेनेड है, वो टीम गॉडलाइक को काफी ज्यादा बैकफुट पे डालेगा एंड गॉडलाइक की तरफ से जी गॉड एंड नियो अलग छपकते हमें यहाँ पे डाउन होते हुए नजर आएंगे। क्लच गॉड जरूर यहाँ पे आज के कवर पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, पंकू को स्पॉट किया जाएगा, शॉट दिया जाएगा, कनेक्शन अभी के लिए नहीं बनेगा बिकॉज वहाँ पे हल्का सा रेज का कवर देखने को मिल जाएगा, बट गॉडलाइक के जो अनंतन वो अभी यहाँ पे कवर देने के लिए आ चुका है, स्मोक किया जाएगा, बट मेरे हिसाब से नियो के रिवाइवल के बाद एक्सो के साथ ये कंप्लीट फाइट काफी ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा, जहां पे एक्सो के ऑलरेडी एक प्लेयर हमें फ्लैंक के साथ देखने को मिल रहा है एंड दैट गोना बी नन अदर दैन फियर्स, जो पूरा टीम को यहां पे बैकस्टेप करने के लिए आ चुके हैं, बट क्लच गॉड उस साउंड सेंस के साथ यहां पे पीछे की तरफ जाएंगे एंड एक्सो फियर्स के लिए भी एक सरप्राइज अटैक प्लान किया जाएगा। Well, साथ ही साथ गॉडलाइक के तीनों प्लेयर्स यहाँ पे तैयार रहेंगे, फियर्स की तरफ से नीड जाता हुआ डैमेज यहाँ पे दे जरूर सकते, बट साथ ही साथ एनिक माके अभी ऑन दी रन से जिसके मैक्स को टेक डाउन करके पुकार कम से बॉस्टन वॉरियर्स को यहाँ पे नॉकआउट करते हैं, सीधा फिनिश ऑफ भी कर दिया जाएगा सेल्सियस के मैक्स, टॉप डॉग को यहाँ पे फिनिश ऑफ कर चुके, क्लच गॉड के नीड्स कुक जरूर हो रहे, बट फियर्स का नीड आता हुआ यहाँ पे क्लच गॉड को टेक डाउन किया जाएगा, आदित्य ऑन दी रन, टीम एक्स माके मोवी को यहाँ पे टेक डाउन करेंगे, मियो फिलहाल के लिए हाइड एडवांटेज जिसे पंक को स्पॉट किया गया, नॉक यहाँ पे किया जाएगा एंड पूरी तरीके से स्काउट कर रहे जॉनथन को पीछे जाना पड़ेगा, क्लच गॉड को फिनिश कर चुके, पियर्स बहुत ज्यादा लो हो चुके, जॉनथन को पता है उसके बारे में, नियो भी यहाँ पे करेंगे पूरी कोशिश, पियर्स के ऊपर पूरी तरीके से चार्जिंग करते हैं, डैमेज जरूर देने की कोशिश करते हैं किसी के साथ, जॉनथन आएंगे पियर्स को टेक डाउन करते हुए, एक्सो के इमॉर्टल आखिरी प्लेयर बचने वाले वो भी यहाँ से बैक ऑफ कर रहे, उनको पता है कि यहाँ पे वो अगर रहेंगे तो उनके लिए ये फाइट निकालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पियर्स का फिनिश पॉइंट जॉनथन अपने नाम कन्फर्म करने वाला है, उसके साथ बात करें जाए टीम गॉडलाइक अपने नाम तीन फिनिशर्स निकाल चुके हैं, मॉर्टल थोड़े से पीछे में जरूर रहेंगे, नीड्स यहां पे कुक किया जा रहा है नियो की तरफ से, वो सोच रहे हैं उनको लग रहा है कि शायद से वहां पे स्मोक के अंदर एक प्लेयर बच सकता है, जॉनथन आगे बढ़ते हुए देखने मिल जाएंगे, वो कोशिश कर रहे फिनिशर्स अपने नाम नहीं लेने की, बट इमॉर्टल ऑलरेडी अपना जो पोजीशन है उसको चेंज करके थोड़ा सा पीछे जा चुका, अपने जो कवर एरिया है उसको ज्यादा बनाया जरूर गया, जॉनथन के ऊपर थोड़े बहुत शॉट्स आ सकते हैं, बट फिलहाल के लिए नियो पूरी तरीके से अपने आप को बूस्ट अप करके जो लूट गॉड लाइक के प्लेयर्स को चाहिए वो यहाँ पे